उधर झारखंड के जमशेदपुर जिले के पुटका में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की एक ANM कर्मचारी कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई, जिससे परिवार में दहशत का माहौल बन गया। आपको बता दें कि संक्रमित ANM ने बुखार लगने के बाद कोरोना टेस्ट करवाया था। मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी ने संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना जाँच कराने का निर्देश दिया है। 30 जनवरी को यहाँ वैक्सीनेशन शुरू हुआ CSC पोर्टका में, तो हेल्थ कर्मी जितना था सबको वैक्सीनेशन दिया गया उस दिन। उस ANM भी वैक्सीनेशन किया गया, तो उस ANM को उसका सेकेंड डोज लिए हैं 1 मार्च को, और 27 मार्च को उनको लगा कि उनका हस्बैंड का एक्चुअली तबीयत खराब था, फीवर आ रहा था, तो अभी कर लिए हैं कि देखते हैं कि हस्बैंड का उसका अपना रैपिड एंटीजन टेस्ट किट। चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए जमशेदपुर से संवाददाता शिवशंकर जुड़ चुके हैं। शिवशंकर, ANM कर्मचारी कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लेने के बाद भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, बहुत ही संदेहास्पद स्थिति देखी जा रही है, क्या ये पूरा मामला? जी, मामले के संबंध में बता दें कि ANM द्वारा 30 जनवरी को पहला टीका और 1 मार्च को दूसरा टीका लिया गया था। इसके बाद जो है कि इनको फीवर होने का संदेह हुआ, जिसके बाद ये स्वयं जो है कि कोरोना टेस्ट में पॉजिटिव पाई गई, जिसके बाद एहतियात के तौर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर मृत्युंजय धावड़िया ने सभी स्वास्थ्य कर्मियों को टेस्ट कर रहे हैं, ताकि अभी जो वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है, जिससे कि कोई स्टाफ कोरोना संक्रमित ना हो और दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को वैक्सीन देने के दौरान जो है कि संक्रमित ना हो जाए, इसको लेकर के काफी एहतियात बरता जा रहा है। जी शिवशंकर, वहां पर वरीय डॉक्टर से बात हो पाई कि कैसे कोरोना वैक्सीन का दोनों डोज लेने के बाद कोरोना पॉजिटिव जो है कर्मी पाई गई, क्या बड़ा कारण माना जा रहा है इसका? जी, प्रभारी से इस संबंध में बात की गई, तो उनका कहना है कि किसी भी वैक्सीन में कुछ संभावनाएं रहते हैं कि वो रोग बीमारी जो है कि हो सकता है, तो कोरोना वैक्सीन में भी ये है कि डोज लेने के बाद भी आप कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं, मगर इससे आपका इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ जाएगा, जिससे कि आपको कोरोना से खतरा बहुत कम हो सकता है। तो ANM कर्मी की जो हालत है इस वक्त कैसी है, क्या वो हालत समान है या फिर उनका जो इलाज है वो चल रहा है, ट्रीटमेंट? जी, उनका जो है कि होम आइसोलेशन कर दिया गया है और उन्हें जो है कि हिदायत दी गई है कि आप कहीं नहीं जाएंगे, हालांकि वो जो है कि उनको फीवर है हल्का सा। दूसरी ओर उनके पति और पुत्र दोनों का जो है कि कोरोना टेस्ट किया गया, जहां दोनों का रिपोर्ट नेगेटिव आया है, लेकिन पुनः प्रभारी डॉक्टर मृत्युंजय धावड़िया का कहना है कि इनका एक बार और उन दोनों का टेस्ट किया जाएगा, तब जाकर क्लियर हो सकता है। जी शुक्रिया शिवशंकर इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए आपका।